नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ। ये डिज़ाइन तीन फंदों का और चार लाइन का है। ऐसे तीन तीन फंदे हम गिने तो लास्ट में दो फंदा बचना चाहिए। तो मैंने सिलाई में 23 फंदे डाले हैं। डिज़ाइन बहुत ही आसान और बेहद खूबसूरत है। फ्रेंड्स, डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो और डिज़ाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। ये डिज़ाइन सामने की तरफ से डाला जाता है, तो यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा लीजिएगा। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो पहले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे या स्लिप कर लेंगे। ये एज स्टिच है, इसे या तो सीधा बुन लें या स्लिप कर लें। अब तीन फंदे हैं, तो पहले दूसरे फंदे को हम छोड़कर तीसरे फंदे में ऐसे सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे, इसे हम सीधा फंदा बना लेंगे। अब उनको अपनी ओर करेंगे और जो दो फंदे हमने छोड़े हुए थे उन दोनों को हम उल्टा बुन लेंगे। उल्टा बुन लिया। अब चूंकि इस फंदे को हमने पहले ही बुन लिया है तो अब इसे हम गिरा देंगे। अब उनको दूसरी ओर करेंगे और नेक्स्ट तीन फंदे लेंगे, दो फंदों को छोड़कर तीसरे फंदे को ऐसे सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे और इसे पहले हम बुन लेंगे। सीधा बुन लिया, इसे थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे और दो फंदे छोड़े हुए दोनों फंदे इसे हम उल्टा बुन लेंगे। फिर उनको दूसरी ओर किया। अब अगले तीन फंदे लेंगे, दो फंदों को छोड़कर तीसरे फंदे में हम पहले सामने की तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे, उनको सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। इसे थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे। अब ये दो फंदे जो हमने छोड़े थे पहले, इन दोनों को अब हम उल्टा बुन लेंगे। उल्टा बुन लिया, इस फंदे को हमने पहले ही बुन लिया है तो इसे हम गिरा देंगे। उनको दूसरी तरफ करेंगे, नेक्स्ट तीसरे फंदे में दो फंदा छोड़कर तीसरे फंदे में ऐसे सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे, एक सीधा फंदा बना लेंगे। थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे और ये दो फंदे जो हमने छोड़े थे इन दोनों को हम उल्टा बुन लेंगे। इसे हमने पहले ही बुन लिया है इसलिए इसको हम उतार देंगे। फिर उनको दूसरी ओर करेंगे, तीसरे फंदे को पहले हम तीसरे फंदे को सीधा बुन लेंगे, थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे, फिर दोनों फंदों को उल्टा। तो इन्हीं तीन फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। पहले तीसरे फंदे को सीधा बुनना है सामने की तरफ से, फिर पहले और दूसरे फंदे को उल्टा बुनना है उन दूसरी ओर। पहले तीसरे फंदे को हम सामने की तरफ से ऐसे सीधा बुनेंगे, फिर उनको अपनी ओर करेंगे और इन दो फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब इसे हमने बुन लिया है, इसे गिरा देंगे। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो हमने पहली लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। तो इस लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पहले फंदे को स्लिप कर लीजिए, शेष सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो दूसरी लाइन में हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम फिर सामने की तरफ आ जाते हैं। तो तीसरी लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। तीसरी लाइन में हमें सभी फंदों को सीधा बुन लेना है।
तीसरी लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिज़ाइन का चौथा लाइन है। तो चौथी लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। चौथी लाइन में हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम फिर सामने की तरफ आ जाते हैं और ये हमारे डिज़ाइन का पांचवा लाइन है। तो इसमें हम पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब देखिए, तीन फंदों में से पहले हम तीसरे वाले फंदे को सामने की तरफ से ऐसे सीधा बुनेंगे, थोड़ा सा ऐसे लूप ऐसे खींचेंगे, फिर उन अपनी ओर और दो फंदों को उल्टा, फिर उन दूसरी ओर दो फंदों को छोड़ेंगे, पहले तीसरे वाले फंदे को सामने की तरफ से ऐसे सीधा बनेंगे, थोड़ा सा ऐसे ऐसे खींचेंगे, उन अपनी ओर और दो फंदा उल्टा। यानी पांचवे लाइन में हम अपने पहले लाइन को दोहराएंगे। उन दूसरी ओर तीन फंदों में से पहले तीसरे फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और पहले और दूसरे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। उन दूसरी ओर तीन फंदा लेंगे, पहले तीसरे वाले फंदे को सामने की तरफ से ऐसे सीधा बुन लेंगे, लूप को थोड़ा सा खींचेंगे उन अपनी ओर और फिर पहले और दूसरे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो इन्हीं तीन फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। दूसरी ओर फिर नेक्स्ट तीन फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। पहले तीसरे फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर पहले और दूसरे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बेहद खूबसूरत। मैं थोड़ा बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। बनाना बहुत ही आसान और देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। तो आप इसे अपने प्रोजेक्ट में डालिए, इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।